सो फाइनली गाइस, अगर आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में कोई टैक्स लिखते हो एंड टैक्स को अदर फोन्स में चेंज करना चाहते हो, तो गाइस आप फोन्स के ऑप्शन पे क्लिक करते होंगे। देन गाइस जैसे फोन्स के ऑप्शन पे क्लिक करते होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन के फोन्स है उनको आप इजी तरीके से चेंज कर पाते होंगे। जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई और फोन्स डालते हो तो यहाँ पर चेंज होता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि आप अपने फोन्स का यूज करना चाहते हो, यानी कि माई फोन्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हो एंड गाइस यहाँ से फाइल मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो एंड फाइल मैनेजर में आ जाते हो। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि फोन्स का ऑप्शन आ रहा है मेरा, ठीक है, और गाइस इसमें फोन्स भी है जैसे कि ये देख सकते हो, ठीक है, फोन्स भी है। अगर अपन इनको ऐड करते हैं यहाँ से, तो गाइस ये ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, देख सकते हो कोई भी ऐड यहाँ पर नहीं हुआ है। अब गाइस इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब गाइस इसके लिए करना क्या है, आपको एक सिंपल सा काम करना है, ठीक है, यहाँ पर अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में गाइस आपके पास ये एप्लीकेशन है, ये जो मेरे से डाउनलोड कर रखी है वही एप्लीकेशन हो या गाइस अदर एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इस एप्लीकेशन को कर देना है अनइंस्टॉल, ठीक है। अनइंस्टॉल के अलावा गाइस आप इसका क्लियर डाटा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके फोन्स ऐड नहीं हो रहे हैं तो गाइस बिल्कुल भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है इसे, तो अनइंस्टॉल आपको कर देना है, ठीक है। ये एक ओल्ड वर्जन है। अब गाइस आपको करना क्या है, आपको हमारा टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आना है एंड गाइस आपको यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन का 1.98 एपीके मिलेगा, यानी कि पुराना ओल्ड वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वर्जन को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइस। सो गाइस ये डाउनलोड हो जब तक मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में यानी कि फोन्स चेकआउट करा देता हूँ। तो गाइस फाइल मैनेजर को अपन यहाँ से ओपन कर लेंगे, वन सेकंड, ऊपर फाइल मैनेजर है तो अपन ने क्लिक कर लिया एंड उसके बाद में ऊपर स्लाइड करके अपन फाइल मैनेजर के स्टोर को ओपन कर लेंगे। ऊपर स्लाइड करेंगे एंड गाइस यहाँ पर फोन्स का फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। फोन्स के फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये एक यहाँ पर तीन चार यहाँ पर फोन्स है, ठीक है, और इसके अलावा फोल्डर है, ठीक है, तीन फोल्डर थे तो वहाँ पर तीन फोल्डर शो हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर फोन्स है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर एक और फॉन्ट का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक और फॉन्ट है, यानी कि दो फॉन्ट उनको यहाँ पर तीन चार फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, दो फोल्डर है और उसमें अलग अलग फॉन्ट्स है, ठीक है। तो आप इजी तरीके से ऐड हो जाएंगे गाइस ये, और आप उनको यहाँ पर डाउनलोड होने देते हैं। इसको 15 MB हो चुका है 16, ठीक है। सो फाइनली गाइस यहाँ पर अपना APK यानी कि जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। अब गाइस इसे आपको करना है इंस्टॉल, जैसे यहाँ पर इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, देन गाइस थोड़ा सा आपको वेट करना है एंड गाइस ये इंस्टॉल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन अपन इसको कर लेते हैं, तो ओपन मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है। यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ करनी है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स आ चुका है, टैक्स में अपन यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रियल टिप्स। सो गाइस यहाँ पर मैंने लिख दिया रियल टिप्स एंड ओके के ऑप्शन पर अपन क्लिक कर देंगे। देन गाइस आ चुका है। अब गाइस अब बारी आ जाती है कि फॉन्ट चेंज होंगे या नहीं होंगे, तो अपन को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपन को फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि फॉन्ट का ऑप्शन आ चुका है तो फॉन्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइस यहाँ पर सेम लाइक वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप माई फॉन्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पर फॉन्ट्स ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर इस पे अपन क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉन्ट अपन को यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके अलावा भी गाइस आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर माई फॉन्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना, फाइल मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड गाइस पहले ऐसा नहीं आ रहा था ना, ठीक है, इनके ऊपर अब डार्क डार्क शाक आ गया है, यानी कि फाइल टाइप में, ठीक है। तो अपन फॉन्ट्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्लाइड करते हैं एंड एक तो आ गया फॉन्ट्स का, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन था ना, एक फॉन्ट, एक रहा फॉन्ट्स, ठीक है, डबल वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं देगा इसमें, देखते हैं, चेकआउट करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है तो बैक ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रहा फॉन्ट्स वाला, तो यहाँ पर ये था, तो ये वाला ऐड हो गया होगा, ठीक है, ये वाला ऐड हो गया, ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस वहाँ पर एक और फॉन्ट्स का ऑप्शन था तो अपन उसको करेंगे चेकआउट। सो गाइस ऊपर स्लाइड करते हैं एंड फॉन्ट्स का ऑप्शन दोबारा हेर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया फॉन्ट्स का, यहाँ पर एक और है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है मैंने, ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से ऐड हो चुका है लाइव, ठीक है। तो इजी तरीके से आपके फोन्स ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो ऐड कर सकते हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड गाइस आप इजी तरीके से फोन्स वगैरह चेंज कर पाओगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो इजी तरीके से अपन ने फोन्स वगैरह चेंज कर लिए हैं, तो आप भी कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।